बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल रहता है। यहाँ लोग जात पात से ऊपर उठकर इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छठ पूजा का त्यौहार कल बड़े ही धूमधाम से समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान सिवान के मुस्तफाबाद पंचायत से एक ऐसी खबर आई जो पूरे सिवान में चर्चा का विषय रहा। आपसी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण सिवान के मुस्तफाबाद में देखने को मिला। यहाँ के लोगों में आपसी एकता और सौहार्द का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ छठ पूजा पर हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर न सिर्फ छठ घाटों की सफाई की, बल्कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसको देखते हुए सड़क की भी सफाई की गई। भूतपूर्व मुखिया एवं स्वतंत्रता सेनानी जफर बाबू के बेटे वजन स्वराज नेता सोनू बाबू उर्फ इकबाल जाफरी ने मीडिया से बताया कि छठ जैसे महापर्व के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं और मेरी टीम ने अपने पंचायत में झाड़ू लगाओ कार्यक्रम, जिसमें मुस्लिम बच्चों से हिंदू धार्मिक स्थल तथा हिंदू बच्चों से मुस्लिम धार्मिक स्थल की साफ सफाई तथा जिन रास्तों पर छठ व्रतियां चलती हैं उन रास्तों की पूरी साफ सफाई की गई। बता दें कि उनके और उनकी टीम के द्वारा इस कार्यक्रम के लोगों ने खूब सराहना की। क्या संदेश है, किस तरह की बात है, आप पूरे बाजार में भी घूमे, पूरे सड़कों की आपकी टीम ने सफाई की, पसीना पसीना हो गए हैं आप। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, आज मैं इन बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को देख के मुझे लगता है, देखिए पिछले कई वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और इससे प्रेरित होकर छोटे बच्चों ने, आज देखिए हमारे आने से पहले इन बच्चों ने ईदगाह की सफाई कर दी है, सब हमारे हिंदू भाई लोग हैं। तो ये सब देख के, ये एकता की मिसाल देख के मेरा सीना 56 इंच है। सभी है, हमारा पूरा गांव है, मेरी कोई प्रत्येक कोई एक पर्टिकुलर टीम नहीं, हर समाज। देखिए आप, देखिए राम रहीम सब हैं, राम रहीम वाले सब लोग हैं। आप देखिए जावेद भाई हैं, इधर देखिए महतो जी हैं, अच्छेलाल महतो जी हैं, रहमान भाई हैं, सगीर भाई हैं, अमजद भाई हैं, अब्दुल सद्दाम है, देखिए बदर भाई है, विवेक सोनी है, देखिए देखिए सब लोग, देखिए हमारे जितने लड़के लोग हैं, परिवार कहा जो सतंद्र स्वामी के परिवार कहा जी, हाँ जफर बाबू सत्यनाथ स्वामी थे, जफर बाबू अच्छा, उनका नाम था, अपने 420 बीघा जमीन दान कर दिए लोगों के लिए। हाँ। आज भी लोग बसे हुए हैं 420 बीघा जमीन में, जफर बाबू के नाम से, और महल जफर बाबू के नाम से जफरपुरा। तो ये अपने दादाजी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? दादाजी को नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सत्यनाथ सोनानी थे, आज भी लोग याद हो जाए, जो हमारे परिवार था सत्यनाथ सोनानी था। चलिए सोनू बाबू, आपके गांव के लोग आपके दादा मोहतरम को याद कर रहे हैं। जी बड़ी अच्छी, आप देखिए, आप सबसे अच्छी खूबसूरती हमारी देखिए इस गांव की क्या है, यहाँ आपको बच्चे भी दिख रहे हैं, यहाँ आपको नौजवान भी दिख रहे हैं, और यहाँ आपको बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। तो इससे अच्छी खूबसूरती आपको क्या मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कहता हूँ ईस्ट और वेस्ट मुस्तफाबाद इज बेस्ट। शुक्रिया आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। छठ की सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे हमारे पूरे गांव, हमारे पंचायत की तरफ से देशवासियों को, बिहार वासियों को, मुस्तफाबाद पंचायत वासियों को बहुत बहुत छठ की मुबारकबाद। ठीक।